नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि मार्केट के अंदर कल 7 जुलाई को क्या हो सकता है, मार्केट के अंदर टेक्निकल प्लस डाटा पॉइंट्स क्या बोल रहे हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के साथ रेगुलरली सब्सक्राइब हैं, रेगुलरली हमारे चैनल को अगर फॉलो करते हैं, तो दोस्तों आपको पता होगा कि हमारी एनालिसिस जो है बिल्कुल परफेक्ट चल रही है काफी दिनों से, और हमारे जो टारगेट्स हम आपको देते हैं वो अचीव भी रहते हैं। दोस्तों, हमने कल आपको कहा था कि हम मार्केट जो ट्रेंड है वो बुलिश रहेगा, लेकिन साथ में हमने आपको ये भी कहा था कि जो क्लोजिंग है निफ्टी की वो तकरीबन तकरीबन 15,900 के ऊपर होनी जरूरी है, तभी हम ऊपर की रैली देख पाएंगे 16,000 तक की। और दोस्तों, साथ में मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर यहाँ पे 15,900 के आसपास मार्केट अगर सस्टेन नहीं कर पाता और डाटा अगर वहां पे नेगेटिव होता है, तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल जो कि फ्री है सभी के लिए वहां पर अपडेट कर दूंगा, आप इस लेवल के आसपास प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिएगा। दोस्तों, वैसा ही हुआ जैसा हमको एक्सपेक्टेशन था, जो सब बातें कल हमने की थी अपनी एनालिसिस के अंदर एग्जैक्टली मार्केट वैसा ही चला आज भी, और 15,900 का जो टारगेट आपको दिया था वो अचीव भी हुआ, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाया 15,900 का लेवल। और मैंने लाइव मार्केट के अंदर जब मार्केट 15,900 के आसपास था, तभी के तभी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप सभी लोगों को अपडेट भी कर दिया था कि आप लोग लॉन्ग पोजिशन से निकल जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने का सबसे बेहतरीन टाइम है। दोस्तों, ऐसा ही हुआ, वहां से अगर लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया, मैंने वहां पे वोटिंग भी किया था कि वहां पर 85% लोगों ने वहां पर मेरी इंस्ट्रक्शंस के बाद, टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो इंस्ट्रक्शन दी गई थी वो इंस्ट्रक्शन के बाद वहां पर लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया, और वो लोग जो फॉल आखिरी के आधे घंटे के अंदर आया वहां पे उनको कोई भी नुकसान नहीं हुआ, और उन्होंने सब लोगों ने अपनी लॉन्ग साइड की पोजीशंस बुक कर ली। तो दोस्तों, यही फायदा होता है डाटा पॉइंट्स का, और यही फायदा होता है अगर हम अपने एनालिसिस को और टेक्निकल पॉइंट्स को दोनों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा हमने कल बात किया था वैसा ही यहाँ पे हो रहा है। अब हम बात करते हैं कल 7 जुलाई की किस तरीके से मार्केट चल सकता है, उसके लिए हमको पहले अपना चार्ट ओपन करना होगा। और ध्यान से समझिएगा, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, अगर आप चार्ट के ऊपर क्या कहते हैं उस ऑब्जर्वेशन को पकड़ लोगे तो वहां पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग भी सीखने को मिलेगी। दोस्तों, यहाँ पे मैं हर वीडियो के अंदर आपको लर्निंग भी देता हूँ। दोस्तों, ये जो है चार्ट आपको देखिए, यहाँ पर वन डे का चार्ट आपको दिख रहा होगा निफ्टी का, ये निफ्टी का ही चार्ट है जो कि आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। टाइम फ्रेम आप देख कर चेक कर लीजिएगा, वन डे का है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो एक कैंडल था, जिस कैंडल ने जो है वॉल्यूम के साथ, क्योंकि प्रीवियस डे के मुकाबले यहाँ पर वॉल्यूम था, मैंने आपको कहा भी था कि यहाँ पर कोई ना कोई बंदा एंट्री किया है, उस बंदे ने मतलब जो भी वो बिग प्लेयर है जिसने यहाँ पे एंट्री किया होगा, तो अब यहाँ पर हुआ क्या कि यहाँ पर रेसिस्टेंस के आसपास काफी यहाँ पर अभी भी सेलर्स हैं जो कि परेशान थोड़ा बहुत मार्केट को कर रहे हैं, जिन्होंने आज सेल भी किया, हायर पॉइंट्स के ऊपर मार्केट को लेके गए, बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं लेके गए जहां पर पिछला हाई बना था, ऑल टाइम हाई बना था 915 के लेवल के आसपास। आज का जो हाई बना है 914 का बना है, तो वहीं पर एग्जैक्टली मार्केट को लेके गए। और जिन लोगों ने यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया था उनमें से कुछ लोगों ने, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे लोगों ने, मतलब पूरे के पूरे पैसे वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो गया, ऐसा नहीं है। अभी भी यहाँ पर क्या कहते हैं मार्केट के चांसेस पूरे पूरे हैं कि यहाँ पर मार्केट अभी भी अपसाइड ट्रेंड में बनेगा, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है, वो कंडीशन नोट डाउन कर लीजिएगा कि यहाँ पर जो इस दिन का जो आप जब बड़े प्लेयर ने इन्वेस्टमेंट किया था, इस दिन का जो आपका क्लोजिंग है वो क्या है आप देख लीजिए, 15,720 क्या है, मैं लिख देता हूँ मोटा मोटा 15,720। ये क्लोजिंग के नीचे कल क्लोज नहीं होना चाहिए मार्केट, और मुझे नहीं लगता कि इस लेवल के नीचे मार्केट कल क्लोज होगा, इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यानी कि, और ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इस दिन बड़े प्लेयर ने एंट्री किया था, वॉल्यूम के साथ किया था, और अगर इस लेवल के नीचे मार्केट क्लोज हो जाएगा तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट की गई थी 15,700 के आसपास, उसका कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा मेरा लॉजिक क्या है कि कल के दिन कोई, कल के दिन की जो क्लोजिंग है वो 15,720 के नीचे मुझे नहीं लगता कि वहां पर हो पाएगी। इसीलिए अगर आप शॉर्ट साइड की पोजीशंस में हैं, जैसे कि अगर मैंने आपको बताया कि मैंने अपने सपोर्ट ग्रुप को शॉर्ट साइड की पोजीशंस बना के बोला हुआ है कि रखिएगा,
तो अगर आप शॉर्ट साइड की पोजीशंस में हैं तो 720 के आसपास अपना प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि क्लोजिंग जो है 15,720 के नीचे कल के दिन मिलेगा। और दोस्तों यहां पर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और है, ये लेवल तो आपने लिख ही लिया होगा प्रॉफिट बुकिंग जो आपको करनी है, साथ में एक इन्फॉर्मेशन और है कि कल के दिन ये जो आपको गैप दिख रहा होगा यहां से लेके यहां तक का जो ये गैप है ये गैप फिल होगा, यहां से याद रखिएगा ये गैप फिल होगा। और गैप फिल होने के बाद मार्केट अगर यहाँ पे गैप डाउन खुलती है तो मेरे हिसाब से ये 700 सपोर्ट क्या रहेगा, 15,700 के आसपास, 15,700 से लेके 720 ये एक सपोर्ट रेंज है। 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, उसका कोई मतलब वाइब्रेशन है वो मार्केट के कंट्रोल कोई नहीं कर सकता, लेकिन ये एक सपोर्ट जोन है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ये सपोर्ट जोन है। इस सपोर्ट के आसपास अगर मार्केट कल आया तो ये जो गैप आपको दिख रहा है ये गैप फिल भी हो जाएगा, और मुझे लगता है कि यहाँ सपोर्ट जोन के आसपास से फिर मार्केट को उठना चाहिए। यानी कि मार्केट होगा क्या कि मार्केट नीचे गिरेगा यहाँ से सपोर्ट के आसपास, मेरा मार्केट आना चाहिए। अगर यहाँ पे सपोर्ट के आसपास मेरा मार्केट सपोर्ट लेता है अपनी शॉर्ट साइड की पोजीशन से निकल जाइएगा, और मुझे लगता है फिर वहां से मार्केट रिकवर करता हुआ हमको नजर आ जाएगा। तो उम्मीद रखता हूं मैं कि ये लेवल जो है मेंटेन होगा, उसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पर इस कैंडल के अंदर जो क्लोजिंग मिली है 15,720 के आसपास मिली है, और इसके नीचे की क्लोजिंग मुझे एक्सपेक्टेशन कल के दिन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो जिन लोगों ने यहाँ पर एंट्री की होगी उनको लॉस हो जाएगा, और मार्केट में ऐसा लॉस बड़े प्लेयर नहीं झेलते हैं। तो याद रखिएगा ये जो डाउनसाइड आएगा ये बहुत टेम्परेरी डाउनसाइड है, इसमें आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है, कौन से लेवल के आसपास करनी है, कहाँ पे सपोर्ट होगा वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी की लाइव मार्केट के अंदर जब वहां पे 700 के आसपास अगर मार्केट पहुंचा और वहां पर अगर आपको मतलब इन्फॉर्मेशन चाहिएगी कि किस तरीके के इन्फॉर्मेशन, यानी कि डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको डाटा पॉइंट्स के ऊपर लाइव मार्केट के अंदर 700 के आसपास जो मार्केट होगा वहां पर वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और मार्केट के अंदर जो भी लाइव पोजीशंस होंगी उस वक्त जब मार्केट डिप मार रहा होगा उस वक्त मैं आपको बता दूंगा कि कहां पे आपको बाय करना है और कहां पे आपको सेल करना है। तो बिना टेंशन के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और कल के दिन मैं यहां पे टेम्परेरी बियरिश हूं, याद रखिएगा टेम्परेरी बियरिश हूं यहां पर मैं। मेरे को लगता है कि मार्केट अब जुलाई के अंदर ये जो रेसिस्टेंस है इसको आसानी से तोड़ देगा, क्योंकि यहां पर धीरे धीरे जो है जुलाई मंथ के अंदर वॉल्यूम आना शुरू हो चुका है, मेरी एक्सपेक्टेशन ये है, लेकिन लॉन्ग टर्म की है। लेकिन कल के लिए यहाँ पर दोनों तरफ की मूवमेंट, यानी कि मार्केट खुलते के साथ थोड़ा डिप ले सकता है 700 और 720 के आसपास सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ बाउंस कर सकता है, ये मेरी कल की एक्सपेक्टेशन है। और देखते हैं मार्केट के अंदर क्या होगा, डाटा लाइव आपको मिल जाएगा अपडेट होता हुआ मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में देखो मैं हमेशा से ही आपको बहुत लंबे समय से बोलता आ रहा हूँ भाई मैं तो बुलिश हूँ, ठीक है। और दोस्तों वही प्रूव हो रहा है, आप खुद चेक कर लीजिए, लगातार यहाँ से इस लेवल से 34,000 के लेवल से ही मैं बुलिश हूँ बैंक निफ्टी में। और आप चेक कर सकते हो आज मेरा बैंक निफ्टी कहाँ खड़ा हुआ है, मेरा बैंक निफ्टी आज खड़ा हुआ है 35,500 के ऊपर, जिसकी क्लोजिंग बहुत अच्छी। और याद रखिएगा यहाँ पर वॉल्यूम्स भी आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये चीज, तो ध्यान से समझिएगा। अब जो सपोर्ट काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए, मैंने आपको निफ्टी का सपोर्ट तो बता दिया है, अब बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट काम करेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। बैंक निफ्टी का सपोर्ट है दोस्तों 35,000 से लेके, लिख लीजिएगा इस सपोर्ट को, 35,000 से लेके 35,100, ये एक ऐसा रेंज है जो कि सपोर्ट का काम करेगा कल के दिन। और मुझे ऐसा लगता है कि कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो मेरे ख्याल से फ्राइडे तक मार्केट मेरा अच्छा खासा बैंक निफ्टी का भी इंक्रीज होना चाहिए। मैं यहां पर अभी भी टेंशन नहीं ले रहा हूं। और एक और अपडेशन कि यहां पर इस लेवल के आसपास अगर आपको मिले तो आप ऐड कर सकते हो, लेकिन आप ऐड करिएगा मंथ एंड के एक्सपायरी के अंदर ही। अगर आप ऐड करना है चाहते हो बैंक निफ्टी के अंदर तो इस लेवल के आसपास आपको मिले तो ऐड जरूर कीजिएगा,
लेकिन करिएगा लास्ट वीक की एक्सपायरी, मंथ एंड की एक्सपायरी के अंदर ही, ताकि आपके पास टाइम बहुत सारा हो। दूसरी एक अपडेशन है कि जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर हमने जो अपना पोर्टफोलियो जो इन्वेस्ट कर रखा था, आप लोगों ने जो बताया था, मैंने ही पोर्टफोलियो बताए हुए हैं, तीन पोर्टफोलियो मैंने अभी तक बता दिए हैं अपने चैनल के ऊपर, तो वो तीनों पोर्टफोलियो इस वक्त ग्रीन है, बहुत बढ़िया उनका रिटर्न निकल रहा है। तो यहाँ पर मेरे को बहुत सारे लोगों का क्वेरी ये था कि क्या हम अपने पोर्टफोलियो को क्लोज कर दें सर, क्योंकि तो यहाँ पर रेगुलरली FII सेलिंग कर रहे हैं। तो मेरा आंसर है नो, बिग नो। यहाँ पर पोर्टफोलियो को मैंने आपको कहा था कि वो कम से कम 3 मंथ्स तक आपको होल्ड करना है। जब तक वो 3 मंथ्स ना हो तब तक आप उसको होल्ड करके देखिए, अभी भी आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में है और आपको अपना पोर्टफोलियो यहाँ पर क्या कहते हैं होल्ड ही रखना है। आपको अपना पोर्टफोलियो यहाँ पर क्लोज नहीं करना है। टेम्परेरी जो डाउन आते हैं, डाउन मूव आते हैं, उनसे आपको घबराना नहीं है। तो यानी कि यहाँ पर जो सपोर्ट के आसपास मार्केट मिले आपको, तो ये आपको बाय करना है। निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी सपोर्ट लेवल आपको मैंने बता दिए हैं। अब फटाफट से ऑप्शन चेन देख लेते हैं, ऑप्शन चेन क्या बोलना चाहती है। ऑप्शन चेन देखेंगे तो हमको ज्यादा क्लियरिटी नजर आ जाएगी, क्योंकि डाटा पॉइंट और टेक्निकल दोनों हमारे एक साथ मैच होने चाहिए, तभी यहाँ पर हमारा व्यू जो है बिल्कुल परफेक्ट निकल के आता है। दोस्तों यहाँ पर निफ्टी की ऑप्शन चेन आपको अपने स्क्रीन के ऊपर दिखेगी अभी। तो ये दोस्तों निफ्टी की ऑप्शन चेन है, अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पे चल क्या रहा है सीन। यहाँ पर देखो मैक्सिमम पोजीशंस आपको इन द मनी की क्लोज होती हुई दिख रही हैं। यहाँ पर भी देखो आपकी मैक्सिमम पुट बाइंग पोजीशंस ये भी क्लोज हो रही हैं। हो क्या रहा है कि आपकी दोनों तरफ की पुट बाइंग साइड की पोजीशंस ये तो हो गई आपकी बुलिश, जो हेज पोजीशंस थी वो क्लोज हो रही हैं, और ये पोजीशंस जो हैं ये आपके जिन लोगों को लॉस हुआ था आज के दिन, क्योंकि ये मैंने आपको कल वाली वीडियो के अंदर बताया था कि रिटेल ट्रेडर्स ने कॉल राइटिंग की हुई है, उनको आज लॉस हुआ, उन्होंने अपना लॉस बुक किया, और जैसे ही उन्होंने लॉन्ग साइड की पोजीशन बनाई तो मार्केट ने उनको मतलब थका दिया। जैसे ही पहले सुबह मार्केट ऊपर गया, लॉस पहुंचाया रिटेल ट्रेडर्स को, जैसे ही उन्होंने लॉस बुक किया और रिटेल ट्रेडर्स में जैसे ही लॉन्ग साइड की पोजीशन बनाई, तुरंत मार्केट नीचे डिप आ गया। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट रिटेल ट्रेडर का खून पीने के लिए ही है मार्केट, इस चीज को आपको समझना होगा। और अगर आप ये चीज जान जाएंगे तो आपके लिए मार्केट के अंदर सर्वाइव करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर समझिएगा यहाँ पर एक सिनारियो क्या है। यहाँ पर 15,700 के ऊपर बहुत जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट है, और ये ओपन इंटरेस्ट फ्राइडे का बना हुआ है। मेरे हिसाब से यहाँ पर देखिए कॉल राइटिंग जो है वो बहुत कम है, कॉल राइटिंग बहुत ही कम है, प्लस यहाँ पर टोटल ओपन इंटरेस्ट सॉरी यहाँ पर पोजिशन क्लोज भी हुई है आज के दिन। मेरे हिसाब से क्या है कि 15,700 के नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए, इसके ऊपर ही कल क्लोजिंग होनी चाहिए। प्लस मैंने आपको चार्ट के ऊपर भी बताया है कि 15,700 के आसपास, 720 के आसपास जो है वो सपोर्ट भी है चार्ट के ऊपर। तो ऑप्शन चेन प्लस चार्ट दोनों के दोनों यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पर इन द मनी के अंदर अभी भी पोजिशन क्लोज नहीं हुई हैं, और यहाँ पर फ्रेश कॉल राइटिंग जो है 900 से लेके और 1600 के आसपास हुई है, जबरदस्त हुई है। तो यानी कि अगले 2 दिन तक मार्केट 15,700 से लेके 15,900 के बीच में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा आपको, इस बात का ख्याल रखिएगा। मैं यहाँ पे 700 के आसपास दोबारा से कुछ अच्छे स्टॉक्स ऐड करने की कोशिश करूंगा, निफ्टी को भी बाय करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मंथ एंड के एक्सपायरी में ही काम करूंगा, करंट वीक की एक्सपायरी में काम नहीं करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये ऑप्शन चेन समझ में आ गई होगी, सपोर्ट रेसिस्टेंस आपको मिल गए होंगे। यहाँ पर सपोर्ट के नीचे मार्केट जाएगा नहीं, इस बात को आप संभल के चलिएगा, क्योंकि अभी ये जो टाउन आया है मूव ये केवल और केवल टेम्परेरी आया है, इस बात को आप समझिए। डाटा अभी सपोर्टेड नहीं है डाउन साइड मूव का, लेकिन टेम्परेरी मूव को भी आप ट्रेडिंग पर्पज से यूज कर सकते हो, और उसका डेमो मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर दे दिया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में है उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर दोस्तों वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं कल अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच अगेन।